छपरा के उसी रसूलपुर गांव में हूँ जहाँ पे आप जानते हैं कि सूरज कांत गिरी और अंजलि का जो मामला था वो हाईलाइट हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सूरज कांत गिरी है उन्होंने जो है, जो अंजलि हमारे साथ बैठी है, इनसे प्रेम विवाह किया था, लेकिन इनके माता पिता उस प्रेम विवाह के खिलाफ थे, जिसके एक साल बाद जो है इनके पति जो सूरज कांत गिरी है उनको गाड़ी में रोक कर जो है उनको गोली से मार कर जो है मौत के घाट उतार दिया। आपको मैं बता दूं, अंजलि हमारे साथ है, ये अपनी पति के मौत के न्याय के लिए लड़ रही है और अभी जो है ये गर्भवती भी है, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद भी इनके पिताजी और इनके घर के लोगों ने मिलकर इनके सुहाग को उजाड़ दिया। ये कैसा समाज है जिस समाज में बेटी को जो है लोग बसाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है बाप ही अपनी बेटी के घर को उजाड़ दिया है। सही बात है अंजलि जी? सही बात है। आपके पिताजी का नाम क्या है? धर्मवीर गिरी। और आपके पति का नाम क्या है? सूरज कांत गिरी। कैसे हुआ था सूरज कांत गिरी का हत्या? वो छपरा गए थे किसी काम से। हाँ। हम लोग सिवान में रहते थे तो वही छपरा से सिवान जा रहे थे, शाम के वक्त था जी। तो वहीं पे टोल प्लाजा के पास जो चैनवा के पास पड़ता है उसी के बगल में मेरे बड़े पा का घर है जी। वहाँ पे वो लोहे रड का काम करते हैं, तो वहीं पे जो मेरे बड़े पा है उनकी दो बीवियाँ और उनके बच्चे, मेरे पिता और मेरी माँ, मेरे दो भाई और मेरे बुआ के लड़के तीन थे वो, और जो मेरे पति थे उनके अपने चाचा और उनका लड़का जी। वो सब तीनों पहले से झाड़ियों में छुपे हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब सूरज की गाड़ी उधर से आए। तो जैसे ही वो सूरज की गाड़ी उधर से आए और वो सारे मिल के सूरज की गाड़ी पर हमला कर दिए, जिससे उसके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ के नीचे चला गया झाड़ियों में। झाड़ियों में गए, आगे का दरवाज़ा लॉक हो गया, भैया उसी में दोनों जो आगे बैठे थे फंस गए, और जो सूरज थे और उनके साथ एक और लड़का जो पीछे बैठा था उनको बाहर निकाले, और निकाल के उन पे ताबड़तोड़ लाट वो लोहे का एंगल होता है उसी एंगल से वो लोग वार करते गए, और मेरे पति के सीने पर बैठ के मेरे पिता ने उनको सिर में गोली मारी थी। कहाँ पे गोली मार दी? उनके सिर में गोली। सिर में गोली मार दी? आपने देखा था कि सिर में गोली लगा है कि नहीं? मेरे दो भाई अपने आँखों के सामने उनको मारा गया गोली। आंखों के सामने गोली मार दिया गया? आंखों के सामने। देख सकते हैं अंजलि कह रहे हैं कि जो उनके दो बड़े भाई थे उनकी आंखों के सामने सूरज कांत गिरी के सिर में जो है गोली मार दिया गया। आप फुटेज देख रहे होंगे, वीडियो पे फुटेज चल रहा होगा किस प्रकार से सूरज कांत गिरी का जो है शरीर जो है खून से लथपथ है, लेकिन आखिर में एक लड़के को चलती गाड़ी से रोक कर क्यों मार दिया गया ये जानना चाहते हैं। आखिर में आपके पति को क्यों मार दिया गया? पहले से झगड़ा था या किस कारण से? हम लोग 3 साल से प्यार करते थे जी। तो हमने जाके लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन जो मेरे पति थे और जो मेरे बड़े पापा थे, वो बड़े पापा जो थे वो कभी उनको देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मेरे पति सामाजिक आदमी थे जी। वो आगे बढ़ रहे थे समाज में और वो उनसे देखा ना जा रहा था, तो उससे पहले से ही वो उनको मारने की सुपारी दे रहे थे हमारे शादी के पहले से ही। मतलब पहले से झगड़ा झंझट और मामला था? हाँ, पहले से ही उनसे रखे थे। आपका सूरज कांत गिरी से प्रेम प्रसंग कब से था? हमारा 3 साल से था। 3 साल से था। और शादी कब हुआ आपसे? शादी 1 साल हुआ, शादी के कोर्ट मैरिज लखनऊ में जाके किया। लखनऊ में कोर्ट मैरिज हुआ था। हाँ। और ऐसा सुनने में आया कि आप उनकी माँ भी बनने वाली हैं? हाँ, मैं उनके बच्चे की माँ बनी जी। आप देख सकते हैं जो लड़की अंजलि हमारे साथ है ये प्रेग्नेंट भी है और सूरज कांत गिरी की बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन बहुत बड़ी मामला ये है कि एक लड़की जो है जो माँ बनने वाली है उसके पति को जो है सामने मार दिया जाता है खुद उनके घर वालों के द्वारा, तो कितना दुख जो है वो एक लड़की पे जो है आ रहा होगा कि अभी जो है इनका उम्र भी नहीं बीता है, एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन इनके पति जो है, पति परमेश्वर जो है जीवन साथी है, वो कहीं ना कहीं जो है इनसे साथ छुड़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा मामला है और इनके इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक लड़की जो है गर्भवती है, पति चला गया, अभी किसके सहारे जो है वो गुजर बसर करेगी? अब बताइए जिस प्रकार से आपके साथ हो, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए न्याय मुझे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, दिन रात वो मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी भी धमकी मिल रहा है मारने के लिए? अभी भी धमकी दे रही। कल पहले तो रात में आके फायरिंग करते थे, कल दोपहर में ही आके फायरिंग वो करके गए जी। दिन दहाड़े फायरिंग हो रहा है? दिन दहाड़े फायरिंग कर। अब देख रहे हैं अंजलि जी कह रही हैं कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, किस कौन दे रहा है धमकी मारने?
वही लोग जिन लोगों ने मेरे पति को मारा, मेरे ही घर वालों ने, सभी ने। आपके घर वालों ने? हाँ। तो क्या होना चाहिए उनके साथ, क्या होना चाहिए जिन्होंने आपके पति को ले लिया? सजा मिलनी चाहिए उन्हें, फांसी के फंदा मिलना चाहिए। किनको सजा मिलना चाहिए? मेरे ही पूरे परिवार को जिन्होंने मेरे पति को हत्या की, उनके कातिलों को। तो आखिर में ऐसा क्या कारण था जिसके कारण वो मार दिए? कहीं आपका प्रेम प्रसंग था या समाज था, वो आगे बढ़ रहे थे उस कारण से, क्या कारण हो सकता है? देखिए, प्रेम प्रसंग अगर रहता तो वो पहले भी मारने, हमारे शादी से पहले भी मारने की सुपारी ना देते उनकी। कुछ राजनीतिक भी था इसमें और कुछ वो भी था, क्योंकि उसमें उनके चाचा भी शामिल थे जो अपने थे। ये मामला है। मामला तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक प्रेम प्रसंग रहता तो पहले भी सूरजकांत गिरी की हत्या हो सकती थी, लेकिन सामाजिक दबाव, सामाजिक कारण के कारण जो है, जिसके कारण जो है सूरजकांत गिरी जो अंजलि के पति थे, उनको जान से हत्या कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सूरजकांत गिरी समाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें जो एक ऐसा घटना हो जाता है कि उन्होंने जो अंजलि हमारे साथ है, इनके साथ प्रेम प्रसंग कर लिया, 3 साल से प्रेम प्रसंग था, और उसके बाद जो है अंजलि अभी माँ भी बनने वाली है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा और सबसे दर्दनीय घटना है कि एक लड़की माँ बनने वाली है, उसके पति को जान से मार दिया जाता है, और फिर भी अभी तक इन लड़की को जो है न्याय नहीं मिल रहा। क्या न्याय मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। कोई आए हैं आपको न्याय दिलाने के लिए? कोई नहीं आया, ना ही सुरक्षा अभी तक मिली।